हेलो फ्रेंड, सर्वेती किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे सिंघाड़े की छिलके की सब्जी। हमने लिए हैं इस छिलके से, हमने तीन चार बार इसे हमने साफ पानी से धो लिया है। इसे हम उबालेंगे, इसे हम कुकर में उबालेंगे, डालेंगे पानी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे उबालने रखेंगे। हमने गैस पे से कुकर उतार लिया, इसको हम ढक्कन खोल के देखेंगे। उबल के तैयार हो गए हमारे ये। अब इसे हम छानेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। हमने लिया है ये बर्तन और हमने लिया ये छलनी, इससे हम पानी को निकाल देंगे। और इसे हम एक प्लेट में पंखे के हवा में 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद में इसे हम नचोड़ेंगे। हमारे ठंडे हो गए पंखे की हवा में सिंघाड़े के छिक्कल, इसे हम नचोड़ेंगे। इस तरह से हम सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से हो गए हमारे ये छिलके, हमारे छिलके ने नचोड़ लिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक और मिर्च। नमक हमने पहले डाल दिया है, इस वजह से हम थोड़ा सा डालेंगे। और हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मिला देंगे अच्छी तरह से। इसे हम हाथों से मिला दें। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे प्याज और लहसुन और हम डालेंगे जीरा। इन सबको हम अच्छी तरह से भून लें और हम डालेंगे लाल मिर्च साबुत। डालेंगे हींग। अब हम डालेंगे छिलके। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला दें। हमने अच्छी तरह से मिला दिया और लो फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए पका दें। 2 मिनट हमारे पूरे हो गए, इसे हम खोल के देखेंगे। कर तैयार हो गई हमारे कच्चे सिंघाड़े की छिलके की सब्जी। एक बार जरूर बनाकर खाएं इस तरह की सब्जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।